नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल, आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 सितंबर 2020 की डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जहां आज के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को अपने इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का ये सेशन आपके लिए SSC रेलवे UPSC तथा स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपके डेली करंट इशूज और आपके नॉलेज को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है, भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथ ही आप यहां देख सकते हैं कि हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर हिंदी भाषा के उत्थान और विकास के लिए गोष्ठी आदि आयोजित की जाती है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना है और पहली आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में बनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को एक मत से निर्णय लिया गया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर डोमिनिक थीम ने जो है यह ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर बदर दुर्रेज अहमद जी को जो यहाँ पर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अपना नया लोकपाल नियुक्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर जूही चावला जी को जो है यहाँ पर इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही आप याद देख सकते हैं कि इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अभिनेत्री जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने बताया है कि उसने अपने स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की नई बोरो प्लस श्रृंखला के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने इस साल अप्रैल में बोरो प्लस हैंड सैनिटाइजर को असफलतापूर्वक बाजार में उतारा है और जूही चावला हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता और 1984 की मिस इंडिया विजेता भी है। जूही चावला ने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी काम किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक को 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पर स्वामी अग्निवेश जी का जो यहाँ पर निधन हो चुका है। साथ ही आप देख सकते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज की प्रतिष्ठित हस्ती स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया है। वह 81 वर्ष के थे और 21 सितंबर 1939 को जन्म में स्वामी अग्निवेश सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। साल 1970 में आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी भी इन्होंने बनाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर गुजरात ने जो है स्टार्टअप रैंकिंग में केंद्र सरकार की पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजरात एक बार फिर नए उद्यमों के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विभाग DPIIT द्वारा की गई राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग से यह तथ्य सामने आया है कि यह रैंकिंग नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकास करने के लिए मामले में कदम उठाने के आधारित पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगड़ी मिशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर यहां पर मेघालय। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व प्राथमिक उपचार दिन में से किस दिन बनाया जाता है? तो विश्व प्राथमिक उपचार जो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल में ही कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया है? तो दोस्तों उसका सही नाम जो है वो रखा गया है श्री सिद्धू रुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन।
यहाँ पर जो है कर्नाटक की हुबली स्टेशन जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है उसका नाम बदल कर दिया गया है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, अभी से श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया है। यहाँ पर जो हुबली में रहने वाले जो वहाँ के निवासी हैं उनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग उठाई जा रही थी कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया जाए, तो केंद्र सरकार ने उनकी इस मांग को अब मान लिया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम जो दक्षिण में पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है पिछले 5 वर्षों से दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले 2015 में हुबली टू हुबली किया गया था और श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक भी थे। तो यहाँ पर जिनके नाम पर किया गया है वो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक भी थे। तो दोस्तों ये था हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।